अस्सलाम वालेकुम। मैं जन्नतमयी, जिला मुजफ्फरगढ़, थाना शेख सुल्तान, तहसील जतोई से बात कर रही हूँ। ये मेरी आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हर मुस्लिम को ये मेरा आखिरी बयान है। मैं चीख चीख के थक गई हूँ बता बता के कि ये मुझे कादियानी मार देंगे, सजा दे रहे हैं। किसी उम्मत मुसलमान के बेटे को गैरत नहीं आई जो मेरी हिफाजत करें। कल मुझ पे जानी हमला हुआ है, मेरे घर पे हमला हुआ है, कादियानियों ने हमला किया है, तकरीबन 20 बंदों ने। थाने में मैं नंगे सर गई हूँ, कहाँ गए मुस्लिम भाई? दरख्वास्त दे के आई हूँ, सारी रात इधर 100 बंदा इकट्ठा करके कादियानी बैठे रहे मुझे मारने के लिए। ये मेरे आखिरी बयान है। किसी को गैरत नहीं आती या किसी को मुझ पे यकीन नहीं आता तो हाँ जी, फिर हमला करने का सोच रहे हैं। कादियानी औरतें इकट्ठी होकर बैठी हैं, मर्द भी इकट्ठे होकर बैठे हैं। अगर ये आज मुझ पे हमला करेंगे, या तो मैं, ये चाहते हैं मुसलमान मेरे भाई बहने दीन के मुहाफिज, नबी पाक की उम्मत ये चाहती है कि मिर्ज़ा कादियानी से माफी मांग लूं, या तो मैं माफी मांग लूंगी फिर काफिर हो जाऊंगी, या फिर खुद को आग लगा लूंगी। दोनों सूरतों में मैंने जिस भाई को चीख चीख के बताया है नबी पाक के सामने, मैं उनके गिरेबान पकड़ के बोलूंगी, शिकायत लगाऊंगी कि मेरे पास कोई भी नहीं आया था। ये देखें मेरा हाथ, ये देखें जो मुझे घसीटते रहे हैं कादियानियों के आदमी। एक बार मैं इनसे माफी मांग लूं, फिर वही लोग, वही घर, वही सब कुछ। आप लोग तमाशा देखिएगा कि मैं क्या हूं इनके लिए।